रूस के खिलाफ युद्ध में एक तरफ पश्चिमी देश जेलेंस्की की मदद कर पुतिन को शिकस्त देने का ख्वाब सजा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है। कारण, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि जेलेंस्की बहुत जल्द सरेंडर कर सकते हैं। पुतिन यूक्रेन पर 1500 किलोग्राम के विध्वंसक बम फोड़ रहे हैं और ज़ेलेंस्की के पास तोप के गोले तक नहीं बचे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम के बम गिराकर ज़ेलेंस्की को सन्न और उनकी आर्मी को सुन्न कर दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने पुतिन के 1500 किलोग्राम वाले स्मार्ट बमों के आगे सरेंडर कर दिया है। ज़ेलेंस्की की वायुसेना ने साफ कर दिया है कि इस बम से लड़ने की कुव्वत उसमें है ही नहीं। ज़ेलेंस्की के गोदाम में अब कितने गोले बचे हैं आपको उंगली पर गिनने लायक वो तादाद बताएंगे। अभी आप पुतिन के संहारक बमों का कहर देखिए। जिस इलाके में ये बम गिरता है उसका नामो निशान मिट जाता है। बॉमर से लॉन्च होने के बाद ये 1500 किलो का बम जो किसी बड़ी एसयूवी जितना भारी होता है उसका धमाका देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। इस बम का नाम है यूपैव 1500P। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला ये लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन की वायुसेना ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कह दिया है कि पुतिन के 1500 किलोग्राम वाले इस बम का जवाब उसके पास है ही नहीं। रूस का दावा है कि इस बम को गिराने का मादा यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स में कतई नहीं है। रूस के इस दावे पर खुद यूक्रेन की एयर फोर्स के प्रवक्ता यूरी एहनेट ने भी मोहर लगाई है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस के ये बम डैनो और जीपीएस नेविगेशन से लैस हैं और इनके स्ट्राइक रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यूक्रेन की एयरफोर्स को ही माने तो रूस इन बमों को अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ यूक्रेन के पास हथियारों और गोला बारूद का घोर संकट है और दूसरी तरफ रूस 1500 किलोग्राम वजनी इन बमों समेत तमाम दूसरे हथियारों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से कर रहा है। 1500 किलो वाले इस बम को सुखोई 34 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 35 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 30 से भी लॉन्च किया जाता है। ये तीनों ही रूस के बेहतरीन बॉमर जेट हैं, लेकिन इन सब में सुखोई 34 बम का सबसे बेहतरीन करियर कहा जाता है। लेकिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन करियर कहा जाता है। एक बार में 1500 किलो का बम यूपैव 1500B लॉन्च कर दिया गया तो टारगेट का वजूद मिट्टी में मिल जाता है। ये बम इसकी 100% गारंटी देता है, इसलिए ये आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है। ज़ेलेंस्की की एयरफोर्स इन बमों से मुकाबले के लिए पैट्रियट और सैम टी जैसे सिस्टम मुहैया कराने की गुहार लगा रही है। इसके अलावा रूस के बेरहम हमलों से बचने के लिए अब बिना देरी किए अमेरिका से F-16 भी देने की मिन्नतें की जा रही हैं, क्योंकि खुद यूक्रेन का ही कहना है कि रूस की एयरफोर्स हर रोज औसतन 10 से 15 और कभी कभी 20 ग्लाइड बम बरसा रही है
500 किलोग्राम वजन वाले ग्लाइड बम 70 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस बम को भी सुखोई 34 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाता है। जिसका मुकाबला करने में यूक्रेन पूरी तरह से नाकाम है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की एयरफोर्स ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों की डिमांड की है। लेकिन सवाल तो यह है कि वो नाटो समेत 50 देशों से भी ज्यादा यूक्रेन के मददगार देश जो जरूरी गोला बारूद तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने सबसे ताकतवर हथियारों को भला यूक्रेन के कब्र में जमींदोज होने क्यों भेजेंगे, वो भी तब जब यूक्रेन के मुकाबले रूस कम से कम तिगुने से भी ज्यादा गोले बारूद बरसा रहा है। ज़ेलेंस्की के पास हथियारों का ऐसा संकट है कि उनकी सेना अब बहुत संभल कर गिने चुने गोलों के नुकसान की जहमत उठा रही है। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गोला बारूद की किल्लत के बीच यूक्रेन की सेना रूस पर सीमित पलटवार कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मोटराइज्ड ब्रिगेड पहले 20 से 30 गोले रोज फायर करती थी, लेकिन अब संकट ऐसा है कि यही यूनिट हर रोज एक या दो या किसी दिन तो एक गोला तक नहीं फायर कर पाती है। यूक्रेन की सेना पहले 7700 गोले हर दिन फायर कर रही थी, यानी हर 6 सेकंड में एक गोला, जबकि रूस अब भी इससे तिगुना से भी ज्यादा, यानी हर रोज 23,000 से भी ज्यादा गोले बरसा रहा है।